नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई फाई स्टडी बीसी पार्ट वन अकेडमी। तो बच्चों, दो दिन आपको क्लासेस देखने को नहीं मिली, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, माफी चाहेंगे। क्योंकि यार, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में आंधी तूफान, भूकंप, सब कुछ दिल्ली में, कोरोना दिल्ली में, तो आंधी तूफान आने के कारण ना नेट कनेक्टिविटी कट गई थी, इसलिए आपको एक दिन ब्रेक हो गया आपका जीके एक नज़र। लेकिन आज फिर से हाजिर हैं और आज हाजिर हैं बिल्कुल एक नए मुद्दे पर। नया मुद्दा क्या है सर? बिल्कुल एक नई जानकारी। नाम मजा जाए तो पैसा वसूल, बिल्कुल पैसा वसूल है ये। और ये देखो, चैनल आपको दिख रहा होगा, दो चीज़ें, ग्रुप दिख रहा होगा आपको। तो सर, यू कैन ज्वाइन, आप मेरे चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ का फ़ायदा उठा सकते हो। और ये ग्रुप है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन, अपने क्वेरी, कुछ भी पूछ सकते हो, बिल्कुल फोटो खींच कर, ठीक है बच्चे। और ये हमारे शेड्यूल जहाँ पे आप अभी जुड़े हो, 6:30 बजे जीके एक नज़र, RRB NTPC, शाम को 6 बजे, शाम के 7 बजे RRB ग्रुप डी, फिर मेन चैनल RRB NTPC वाईफाई स्टडी पे, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। और रात 10 बजे रेगुलर रोजाना आप अनअकैडमी पे जुड़कर फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकते। L&T ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना में स्थापित क्रायोस्टेट बेस का निर्माण किया। सर, इससे क्या समझ में आएगा भाई? ये समझ लो, इससे मैं इतनी क्वेश्चन बना दूंगा, ट्रेडिशनल भी और करंट भी, आप सोच नहीं सकते हो। तो देखते हैं क्या क्या सवाल निकल सकता है। L&T यानी लार्सन एंड ट्रूबो ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना में स्थापित क्रायोस्टेट बेस का निर्माण किया। पहला सवाल, सर ये कहां किया, इसका निर्माण क्यों किया, ये क्रायोस्टेट बेस है क्या, रीजन बिहाइंड, आइए समझने, एक एक करके समझते हैं आसान भाषा। सबसे पहले, L&T हैवी इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया 1250 टन का क्रायोस्टेट बेस दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना जो फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिकी संयंत्र ITER, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, परियोजना में सफलतापूर्वक स्थापित किया। कहाँ किया है? फ्रांस में किया है। कहाँ किया बच्चे? फ्रांस में किया है। सर, ये कितने का, ये जो प्रोजेक्ट है कितने रकम के लिए है? भाई साहब, $22 बिलियन का प्रयोग किया गया है इसमें। कितने कंट्री शामिल हैं? तो पहला यूरोपीय संघ, एक जिसमें 27 कंट्री हैं, ब्रिटेन बाहर निकल गया, अमेरिका 2, चीन 3, भारत 4, जापान 5, दक्षिण कोरिया 6, रूस 7। यानी इस प्रोजेक्ट में कितने कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 7 देश भाग ले रहे हैं। कितने? 7 देश। कितने का फंड है ये? $22 बिलियन का फंड है, $22 बिलियन का फंड है। तो सर, क्रायोस्टेट क्या है? क्रायोस्टेट? क्रायोस्टेट एक प्रकार का रेफ्रिजरेटर है, बड़ा सा फ्रिज जहां पे संलयन को ठंडा किया जाएगा। यानी क्रायोस्टेट आधार सबसे बड़ा और सबसे भारी टोकमक घटक है, जो एक प्रकार का रेफ्रिजरेटर है, एक प्रकार का फ्रिज है। क्या बच्चे? फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है। अब बात करते हैं सर, ITER क्या है? उसमें देखा ना आपने कि ITER के तहत, तो ITER दुनिया की सबसे बड़ी प्रायोगिक संलयन सुविधा फ्रांस में है, जो मानव इतिहास की सबसे जटिल परियोजना है। कब शुरू किया गया था? देख रहे हो, 2010 में शुरू हुआ है, आज हम 2020 में आ खड़े हुए हैं। यानी 10 साल लगे इसे यहां तक पहुंचने में, 10 साल लगे इसे यहां तक पहुंचने में। इट विल यूज हाइड्रोजन फ्यूजन कंट्रोल्ड बाय सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज स्केल हीट एनर्जी। यह बड़े पैमाने पर ऊष्मा ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इसके लिए क्या यूज होगा? सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट यूज किया जाएगा, जिसमें से हाइड्रोजन संलयन यूज होगा। दो होते, एक नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन यानी जो बड़ी ऊष्मा, जैसे सूर्य है, सन है, सोलर एनर्जी है, किस पे डिपेंड करेगा? सर, ये करेगा, इस पे करेगा हाइड्रोजन फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन।
न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संयन पर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चे, यह परमाणु संयन सुविधा जैसा कि मैंने कहा यूरोपीय संघ 1, रूस 2, अमेरिका 3, जापान 4, चीन 5, भारत 6, दक्षिण कोरिया 7, यानी कुल मिलाकर 7 देशों के सहयोग से तैयार किया जा रहा। यह पहला औद्योगिक स्तर का फ्यूजन रिएक्टर है, एक प्रकार का फ्यूजन रिएक्टर है। दो होता है ना, एक फ्यूजन होता है यानी एक विखंडन होता है, एक फ्यूजन एक संलयन होता है, दोनों में क्या अंतर है उसको भी समझेंगे। तो ऊर्जा का उत्पादन करने का तरीका निजात करेगा। 2025 तक अंतर भाग के अंदर विद्युत उत्चार्ज गैस प्लाज्मा का पिघला हुआ द्रव्यमान पैदा करना शुरू कर देगा 2025 तक। सोचो कितने डेवलप कर जाएंगे हम, कितने डेवलप कर जाएंगे हम। तो जैसा कि मैंने कहा विखंडन और संलयन के बीच अंतर क्या है सर, फीजन और फ्यूजन दो बातें हैं। अगर आप दीपावली में देखोगे कुछ बच्चा ऐसा होता है जो बदमाश शरारती बच्चा होता है, वो क्या करता है एक से अधिक पटाखा को लेता है और उसे आपस में कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। यानी क्या अंतर है सर दोनों को, दोनों की बात करें परमाणु विखंडन के मामले में, न्यूक्लियर फ्यूजन के मामले में एक परमाणु दो या अधिक छोटे या हल्के परमाणुओं में टूटता है उसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, नाभिक के संलयन की बात करें या हाइड्रोजन संलयन की बात करें, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं, मैंने क्या कहा भाई जब जुड़ेगा तो वह ज्यादा पावरफुल होगा ना डियर, तो जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं या फ्यूज होकर एक बड़े या भारी परमाणु या नाभिक का निर्माण करते हैं उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, हाइड्रोजन फ्यूजन कहते हैं। सबसे पावरफुल सूर्य की जो ऊर्जा है ये इसी पे निर्भर करता है, नाभिक के संलयन पर निर्भर करता। यहां तक तो कहानी थी, अब थोड़ा सा लार्सन एंड ट्रूबो के बारे में देख लेते हैं। सर ये क्या है, लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड जिसे आमतौर पर एलएनटी के रूप में जाना जाता है वैश्विक संचालन के साथ है, एक प्रमुख प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग निर्माण निर्माण और वित्तीय सेवाओं का समूह है। अभी देखो कि जो एनएच बन रहे हैं भारत में बड़े बड़े एनएच कौन बना रहा है, लार्सन एंड ट्रूबो बना रहा है। कौन, लार्सन एंड ट्रूबो बना रहा है। इसकी स्थापना 7 फरवरी 1938 को की गई थी, किसने किया सर, हेनिंग होल्क लॉर्सन सॉरन क्रिस्टियन ट्रूबो ने किया था, मुख्यालय ब्लाड स्टेट मुंबई है, अध्यक्ष की बात करेंगे अनिल मणिभाई नाइक और एमडी और सीईओ कौन है एसएन सुब्रमण्यम। ये आपके लिए लार्सन ट्रूबो का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये था सेशन आज का, कैसा लगा, कुछ नया सीखे, अगर नया सीखे हो तो दो काम करना रोहित सर के लिए, सेशन को लाइक करना और शेयर करना यार, शेयर कम से कम कर सकते हो। सुबह जब देखता हूँ ना 400-500 व्यू है तब मन छोटा हो जाता है यार, मतलब इतना मेहनत करते हैं बताओ, कमेंट जरूर किया करो। और देखो 15 तारीख से जो मैं कह रहे थे 10 तारीख से कुछ टेक्निकल के कारण इसे डेट बढ़ गया, और 15 मई से सुबह 10 से 11 यूपी लेखपाल का बैच बिल्कुल लाइनअप है, फाइनल है। तो अगर आप यूपी से हो या कोई भी राज्य से हो, आपके पास 10+2 की डिग्री है और ट्रिपल सी की है हो, तो आप जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करिए और फायदा उठाइए। ज्वाइन करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा, डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर भरने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अपना गोल सेलेक्ट करोगे, यहाँ जो 3 लाइन बनी है इस पर क्लिक करोगे चेंज, यहाँ से गोल चेंज कर लेना अगर आपके डाउनलोड करने के बाद कुछ और दिखा रहा है तब, और सेलेक्ट करना गोल अपना UPPSC UPSSSC। जैसे आपने गोल सेलेक्ट किया अब गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कितने मंथ का मैं लेना चाहूँ, मैं हमेशा अपने लेक्चर में कहता हूँ सर मेरे पढ़ाने के तरीके अलग हैं, छोटा मत लेना, पैसा मुफ्त में बर्बाद चला जाएगा, कम से कम 1 साल के लिए जुड़िए। और सबसे बड़ी फायदा कि इस 1 साल में यूपी में जितने पेपर होंगे, चाहे SI हो, कॉन्स्टेबल हो, चाहे BDO हो, मंडी ऑफिसर हो, या फिर आप UPPSC लोअर सबऑर्डिनेट हो, या फिर लेखपाल UPSSC हो, सारे एग्जाम कवर होंगे सिंगल एक सब्सक्रिप्शन में, और इसमें मैथ हिंदी GK रीजनिंग सब कुछ मिलेगा। बस आपको करना क्या होगा,
जैसे कोड सेलेक्ट किया, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है 200 का 8400, दोनों में 1000 का अंतर है। तो जैसे कंटिन्यू करेंगे, अब छूट चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर, तो कोड हमारा रेफरल कोड है बाबा 10, यूज करोगे अप्लाई करोगे तो सीधा 10% का रिबेट होकर 8400 से हो जाएगा 7560। और कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो आप, किसी की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, ये कोड यूज करके आप फायदा उठा सकते हो। कैसे पेमेंट करेंगे सर? अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से कर दीजिए या फिर गूगल पे से कर दीजिए। पे करेंगे, यहाँ पे होगा, इसके बाद आप यूज जुड़ सकते हो हमारे साथ 15 तारीख से सुबह 10 बजे। बस रेफरल कोड याद रखना बाबा टे, ठीक है बच्चे? तो कैसा लगा सेशन? अगर सब जुड़ने में कोई परेशानी है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे एफबी पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, और ये चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको पीडीएफ आसानी से प्रोवाइड करा सकूँ। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही मज़ेदार जीके एक नज़र में, तब तक के लिए अपना और अपने ख्याल रखिए।